मैं तो बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि तुम यूट्यूब में अच्छी वीडियो बनाना, बहुत लोग बोल रहे हैं कि तुम तो यूट्यूब छोड़ना चाहना चाह कहते हैं मैं तो यूट्यूब छोड़ना चाहना चाह क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ने, व्यूज नहीं आना चाहते, क्या मैं यूट्यूब छोड़ दूँ? आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं। तो दोस्तों एक भरकाना के बाद इनका ठंड बढ़ गई गाँव उठार में एकदम फर्स्ट क्लास चलो जलो चमरो और मेन माँ सीखने आग दिखा एक ग्लास चला दो इनको। इसका उपयोग क्या है? बीज हमको अंकुरण अच्छे से आते हैं और कीड़ा भी नहीं खाते हैं और कीटनाशक का। तो देखो हमारी बॉडी जी का हो रहा है स्वास्थ्य खराब की बोल डॉक्टर वाला। हाँ क्या बड़े लेंदे भाई। बहुत तेज आंधी तूफान चलू चा ये देख आप लोग भैरव बरखा भाई साहब मैं चला हूँ आज मुर्दे छामे का ये देखा हम गौर से जो यो चा कच्चू एकदम नमा एक ताल लगी खिड़ी डगी लाना चाय भी ला। तो दोस्तों एक भरकाना के बाद इनका ठंड बढ़ गई गाँव उठार में एकदम फर्स्ट क्लास चलो जलो चमरो और मेन माँ सीखने आग दिखा। तो ये ना तरफ देखो लाभ देखी तो देखा हम लोग आसमान में ये देखा सूर्य भगवान प्रकट हो जाए जिन पर बादलों का बीच ढक गई ना और देखते मौसम एकदम कालू अंधेरू हुई चा इतना ज़्यादा ठंड लगना भाई साहब पानी में भी हाथ लगाना बिठाना चाह देखो लाभ ते तो देखो ना मैं अपना घोड़ा एकदम फर्स्ट क्लास या ना सारी की तरफ ले गया कि लेकिन ना घर में बहुत ठंड उचा तो घर में घाम नहीं छो तो मैं अपना घोड़ा यहाँ छोड़े तो थोड़ा सा चौटी पी की आराम से पड़ो घोड़े की तरफ लग जाला और वना की तरफ अभी सूर्य भगवान बादलों का बीच ढके ठीक है देखने वाला आप लोग बहुत खतरनाक बादल लगे हैं भाई साहब जैसे हिसाब से अक्टूबर में मैनेज ना हिसाब से ठंड शुरू हो गया ठीक गांव की तरफ देखो लो आँचल गेस्ट हाउस अमरो तो वना की तरफ देखो एकदम थोड़ा थोड़ा घाम लगी ऊँचा। सबसे पहले आपसे जुड़ित है मेरी प्यारा नमस्ते मैं महेश भंडारी नए दिन की नई शुरुआत और अपना नए ब्लॉग में आपसे जुड़ूँ कई बार फिर से हार्दिक स्वागत कर दूँ अपने गाँव की हसीन वादियों से। तो दोस्तों अभी मेरे जाने की तैयारी होने लगी च अपना आँचल गेस्ट हाउस जब मैं गाँव को आँचल गेस्ट हाउस चा तो वह होनी चाहे जीवा प्रोजेक्ट की मीटिंग तो दिखता कि उन जीवा प्रोजेक्ट की मीटिंग में तो उनके मैं माथे बोले छो पर माँ कुछ काम करनी चाहिए तो फिलहाल मैं जानू छो अगर वीडियो बनाना मौका मिलो तो आप थे कि अपना ब्लॉग का माध्यम से बतौलो कि हूँ क्या चौका तो चल तुम्हें दूसरा रास्ता पे आते हैं। हाँ जब पानी गिरता है ना कम से कम एक ट्रैक्टर टैंकी इसी पेज पे स्टोर करते हैं केचुआ वजह से। ये तो सही है। हाँ केचुआ वो अचानक से वो नहीं आ पाएगा जमीन अच्छा रहना है हार्ड जब बुद्धि हो तो हार्ड हो जाऊंगे हार्ड होने से नहीं आ जाएगा हार्ड में नहीं आना जमीन जब भी ऐसा ही रहना है स्मूथ जैसा स्पॉन्ज जैसा रहना है तो स्पॉन्ज जैसा रहने से आपको क्या आप देखे देखे नहीं कल आप लोग घास निकाल देना क्या इसके लिए तो पैदा पौधा अच्छा से ग्रोथ होने के लिए ना क्यों वो जमीन हार्ड है आप लोग ऐसे खुदा खुदा रहना हाँ अंदर आते हैं जब वो आने से केचुआ आते हैं और पानी भी कम से कम आइए अभी तो ये अभी सादा है अभी पानी डालने से दो 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 दिन के बाद वो सूखा हो जाता है लेकिन वो बायोमास स्थापित होने से आपको ज़मीन में कम से कम एक महीने तक आपको पानी डालने के लिए जरूरी वो नमी ऐसा ही रहते हैं क्योंकि ये फसल तो पूरा ओढ़ दिया आपको जमीन पर ऐसा तरफ ओढ़ दिया तो छाए रहते हैं नमी रहते हैं इसलिए आपको एक ऊपर वाला पौधा और अंदर जाने वाला और बेल ऐसा वाला सब डाल दीजिए ऐसा बता रहे एक ग्लास चला दो इनको। इसका उपयोग क्या है? बीज हमको अंकुरण अच्छे से आते हैं
और कीटा भी नहीं खाते हैं, कीटनाशक का बड़ी लीजा दिया एक चम्मच डाल दिया बहुत ऐसा हल्का हल्का छिड़कना है और क्या है वो दान है तो दिक्कत नहीं होगा जितना भी डालने से दान में नहीं होगा और चना चना है और हरा दाल वो दाल होता है ना डबल होता है वो वाला ऐसा वाला को एक ऊपर में साफ करना है मतलब ये जो ना ये तो बड़ी और पानी तो डाल दिए ना अलग खाली कट्टा होगा उसमें सुखाएंगे। तो दगड़ियों उन के मीटिंग नहीं छे कुछ परीक्षण सिखाना चाहो तो कन के 20 बुद्धि ने तो जीवा प्रोजेक्ट का द्वारा सिखाना चाहिए ना। तो फिलहाल मैं वे घर तो थोड़ा बहुत मीते भी समझ में आई आया तो मतलब एक महीने बड़े लगातार सिखाना के छो गौन थे कि मीते की तो फिलहाल एक महीने बड़े तो सिखाना के छो लोग थे कि हम गौन थे कि तो कई लोगों का समझ में आई गए लो तो मेरे उन बात कहीं चाह तो मतलब बोना चाहिए कि अपने सगोड़ खेने रखा हम आपका सगोड़ हम आपते कि एकदम करीब बता ला कि क्या हिसाब से बुद्धि ने तो बहुत जल्द आप लोगों थे कि मेरा ब्लॉग मत देखने को मिलने वाला था। तो दोनों यहाँ से पहले क्लिप मत देख लो आप वाला कि बताना चाहो कुछ कुछ आप तो समझ नहीं आए लो माफी चाहो लूँ। तो देखो मैं तो बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि तुम यूट्यूब में अच्छी वीडियो बनाना बहुत लोग बोल रहे हैं कि तुम तो यूट्यूब छोड़ना चाहो चाह कि देखो मैं तो यूट्यूब छोड़ना चाहो चाह क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ने व्यूज नहीं आना चाहिए क्या मैं यूट्यूब छोड़ दूँ। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएँ क्योंकि मैं आपको तो ये सवाल पूछना चाहना चाहो और देखो यहाँ को आंसर आप बोल दें हाँ ना पर। और दूसरी बात यह चाहे कि आप लोग मेरे कमेंट के माध्यम से आप सवाल भी पूछ सकते हैं कि मिका कुरान वाल चाहो कि चाहो कुछ भी पूछ सकता हूँ मैं आप लोगों तक जवाब दे लूँ। और देखो ये बात मैंने जरूर बताया कि मैं तो यूट्यूब में वीडियो बनाना छोड़ना चाहूँ दोस्तों ठीक समणी यख हम देखो आप कि तो बिसड़ वाली चची हैं आज हमारे घर तो उनसे फिलहाल घास से जरूरत है तो मानू को बोलियो हम घास काट लिया तो हमारा हर काम माँ गेहूँ बुतलना मतलब गेहूँ लाना माँ हर चीज़ माँ की मदद करना दिन चची तो फिलहाल वो घास काटनी चाहिए तो घास ले जाला तो देखा एकदम बढ़िया से घाम भी लग गया। तो दोस्तों आज ना मेरी छः काम में छुट्टी तो मैं फर्स्ट क्लास सोची क्यों ना जरा सकड़ों में मेरी मर्च बुती जा वे सकड़ों में जरा खेने जाओ और सकड़ों में कुछ रह पलिंग बुते जाओ ठीक है मेरा बकर अब साथ है मेरा चना और आज मैं कनू छो सकड़े की सब है तो देखो देखो आप देखिए बारी बारी से प्रोसेस के लिए कि आज मैं जन सकड़ साफ करने बोल मिल खेण जा और परसों मिल रहा है रू बुतने तो वे हिसाब से मैं आपसे दिखाने लो प्रोसेस बार बार और चनू छा तो बहुत बढ़िया लगन उम्मीद है कि और ये ना तरह बकरा चराना चाहिए मेरा तो दौड़े ककड़ी तो मुंगरी वे छह नहीं चाहिए तो थोड़ा सा एक गुदड़ दिखाने जा और यूँ लगुल छो जो फलियों तो अब यूँ तो हटा टाइम है या एकदम हटे दिला और समझे हमारे जो माल्टो डाल छ वे माल्टा डाला माँ छोटा छोटा माल्टा वे हैं अभी तो हैर छ खैर जब माल्टा पक जाला तो बारी बारी से आप लोग को देखिए माल्टो स्वाद भी चखो लो और वो ठीक ऐच लगी एक तूरी जो उसे भुनो डालो आम लगी तूरी तो चलो दगड़े मैं फटाफट पहले बोर्ड सकूड़ साफ कर दूँ वहाँ के बाद आप तेरह प्रोसेस बता लूँ। तो चलिए दोस्तों ये एकदम फर्स्ट क्लास लाल टमाटर छोटा छोटा तो आप लोगों ने यूँ की चटनी बने रखे वाले अक्सर जब आप लोग गाँव में रहे वाला जो लोग गाँव में दिखने वाले वो लोग तो खाने ही होला आजकल जो गाँव में रहना वाला जो बहर वाला दिल्ली देहरादून तो उन लोगों तक खाई होली नहीं खाई होली तो बात अलग छे पर आप लोग बहुत याद करने वाला यूँ टमाटरों थे कि तो अक्सर आजकल हम गाँव में टमाटर कम ही लेना चाह दुकान बैठेगी और हमारे यूँ टमाटरों वाला गुजोर सुनो चाह बहुत फर्स्ट क्लास है तो कुछ कुछ पकेगी ना झड़के जा तो आज ना तरह पूरी मर्च गार्डन पोल में थे कि तब जाएगी बात बने ली इधर सब मर्च गार्डन पड़ लिया और सब और छड़ा पड़ लो। तो आप लोग को तो ये ब्लॉग पसंद आ लो आशा करूँ मैं यूँ ही आप यहाँ से पहला ब्लॉग में देख लो कि मैं जो यहाँ भांग निकाल छे और जो भांग का डाला था वो तो मैं ले गई जो वहाँ का उतरा था तो मैं एकदम काटे ना अधिकम रखे ना आज जलाला तो ये ना की तरफ देखो दगड़ियों गोड़ीला कुछ दिनों पहले हमें जो बाढ़ है ना कहीं सकड़ा तीरे तीर वो बाढ़ पूरी तोड़ेल छे अभी ये कन पुड़ो कि ये बाढ़ फिर से दोबारा निकन पड़े लिए और जल्द खड़ा छे एकदम सामान पुड़ला तो
इसको संभाल दे लूँ तो जल्दी से, किले की बारिश बह सकी थी मैंने तरफ देखो तो मौसम हो गया गड़बड़, तो जल्दी से काम निपटा दूँ मैं। तो दगड़ा हमारी बॉडी जी का हो रहा है स्वास्थ्य खराब, की बोल डॉक्टर वाला कैबड़े लैन दे हंसराज ना। तो बॉडी जी का हो रहा है स्वास्थ्य खराब, ध्यान रखा यहाँ देख रहा हूँ बॉडी क्यों ले आना पिसानों को आड़ नहीं रही जा पूंड लकड़ा यूं देना थोड़ा पूंड पड़ो मैं कुछ हूँ नहीं जा। तो यहाँ पर नम्बर जाना जो मेरे ऑटो थैला तो दगड़ो ये आज कॉफी से तो यहाँ मैं जाऊँ नम्बू तो बहुत मजा मस्त होंगे खाना में अभी पके नहीं सी भाई कच्चा सीन पर सब तू ना कच्चा पका सब है कब पकने दे लो। तो नम्बू जाओ डाला पर ठीक मत दिखाओ लोग कॉफी से कुछ हो जाए पर हमारे गाँव में मात्र डाल चो चल रे ए थोड़ा ये देख पुड़िया होता अबे तो ये है दगड़ियों ककड़ी जो कि आपको खाने को मिलेगी ये देख सकते हो आप लोग। और ये नम्बू फेंक रहा हूँ चा कॉफीस तो बेटे तेरा ढंग से फेंक रुक जा। तो दगड़ा बैठ से नहीं बहुत तेज हवा और बहुत तेज बरखाने की संभावना तैयार ना मेरी माता जी जो हमारा भट्ट छा ना उन भट्टों तक आने बस बस से आपका कहीं जानू आप लोग देखा सुना आवाज देखा जो एक समय डाल ना टॉर्च दी टॉर्च डाल देखा कहीं ना सुनिए देखा आप लोग ये देखा भाई साहब बरखाने लग गया बहुत तेज भाई आसमान देखो ना आप लोगों को देखिए देखा यार देखा बरखा कनानी ना चला बस हो गया चला ये देखा आप लोग बरखा ने जम 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 ठंड चलो जब आई वही चल 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 लो 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 ये अभी बनया छीनू था बनया तो मल तो बांध होला